लोकतंत्र में इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। दोपहर का समय है और दोपहर के समय पर आप देखिए किस तरह से खचाखच भीड़ जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। हर बूथ पर 8 बूथ है यहां पर, ये राव की विधानसभा है, ये इंदौर में आती है और जीतू पटवारी यहां से वर्तमान में विधायक और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, मधु वर्मा उनके सामने है। और ये आप देखिए इससे शानदार तस्वीर और क्या होगी कि दोपहर का समय है और दोपहर के समय पर कितनी शानदार तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और लाइनों में लग करके यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग पहुँचे हैं। हम बाहर चलेंगे, बाहर थोड़ा सा लोगों से बात करेंगे। बहरहाल अंदर मैं केवल और केवल आपको लोगों की भीड़ दिखाने के लिए लेकर के आया था कि लोगों की आप भीड़ देखिए, लोगों में चुनाव को लेकर के किस तरह का उत्साह है। इधर दिखाइए आप परिवार के परिवार इकट्ठा आ रहे हैं और जैसे कोई त्यौहार होता है उस तरह से जो है वो दिखाई दे रहा है कि कोई त्यौहार के ऊपर जैसे दीपावली पर, होली पर, ईद पर लोग जो इकट्ठा होते हैं उस तरह से इकट्ठा होकर के लोग आ रहे हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। तो ये बाहर हम चलेंगे और बाहर लोगों से बात करेंगे और यहाँ का मतदाता जो वोट डाल करके आ रहा है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो वोट डाल दिया आपने? हाँ जी सर, डाल दिया। डाल दिया। क्या नाम हुआ आपका? पवन पाटीदार। तो क्या देख रहे हो पवन भाई, चुनाव में क्या मुद्दा है, इधर लोग क्या सोच रहे हैं? थोड़ा इधर आ, देखते हैं। अच्छा वोट डाल दिया आपने जी, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या सोच रहे हैं नौजवान वोटर, क्या सोच रहे हैं? इस बार वोटरों का अच्छा प्रतिशत लग रहा है कि वोट अच्छे डालेंगे इस साल। अच्छा नौजवानों की सोच क्या है, नौजवानों का मुद्दा? नौजवान ये राष्ट्रभक्त हो गए नौजवान आजकल, वो राष्ट्र के प्रति ज्यादा सोचते हैं। अच्छा वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया भाई साहब। क्या देख रहे हैं इस बार? बहुत बढ़िया, इस बार जो है बढ़िया माहौल चल रहा है अभी तो देश में, और जो इसमें राष्ट्र के प्रति हर एक आदमी को वोट देना ही चाहिए। अच्छा वोट डाला? नहीं डाला। आप नहीं डाला है? अभी डलवा के आया हूँ भैया को, अब डालेंगे इसके बाद। अच्छा क्या सोच रहे हैं वोटर, क्या सोच रहा है इस बार यहाँ के? क्या सोच रहे हैं? सरकार पलटने का। सरकार पलटने की वैकेंसियाँ नहीं आती, बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं हमारे, जैसे अभी क्या बोलते उसको पटवारी घोटाला हुआ है, ऐसे घोटाले होते रहते हैं। अच्छा तो वो मैटर कर रहा है आपके लिए? हाँ तो स्टूडेंट को वही चाहिए ना जॉब, सरकारी नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी करते हैं 4 साल मिलता नहीं है कुछ भी, फिर तो वही वो मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? वोट डाल दिया है। हाँ वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का। अच्छा आपने डाला वोट? सर वोट डाला है, पर जो मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ है तो मेरा सिलेक्शन जो बोल रहे कि एग्जाम निरस्त हो रही है, तो सर वक्त बदलाव का है क्योंकि एक बार सरकार गिर गई उसके बाद फिर उसको धोखे से गिराया गया, फिर अभी वापस, अब इस बार तो सर स्टेबल सरकार रखेंगे सर। अच्छा वो डाला? हाँ डाल दिया। क्या देख रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं? अब सोचना क्या, अब देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी होगा देखेंगे। अच्छा आपने डाल दिया वोट? डाल दिया। हाँ क्या देख रहे हैं आप, क्या इस बार सोच रहे हैं? देखते हैं क्या होता है। मतदाता का मन क्या है, क्या रुझान लग रहा है लोगों का? कोई कांग्रेस से ला रहा, कोई कुछ भी, बीजेपी को पता नहीं इसका। ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? बीजेपी बोल रहे हैं। बीजेपी बोल रहे हैं। अच्छा वोट डाला आपने? नहीं सर मैंने डाला। नहीं डाला है? 4 बजे तक डालेंगे। 4 बजे तक? कोई पर्टिकुलर टाइम सोचा क्या 4 बजे? सर ऐसे ही कि आखिरी में जाएंगे तो बताओ, थोड़ा रुझान मालूम पड़ जाएगा किस तरफ कितने डले, ज्यादा डले कम डले। रुझान ले रहे हैं लोगों का? रुझान क्या दिख रहा है आपको? जो तो जनता बताएगी अब 3 तारीख को। अभी तक क्या रुझान ले पाए आप? दोनों पार्टी के डल रहे हैं, दोनों काटे काट चल रहा है मुकाबला। अच्छा वोट डाल दिया आपने? हाँ जी डाल दिया। क्या सोच रहे हैं जो जागरूक मतदाता है, आप हैं नौजवान हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो चेंजेस आने चाहिए, मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी जी ने ज़्यादा कुछ चेंजेस किए हैं, सो लेट्स सी इफ बीजेपी कुछ चेंजेस ला दे इस बार। हाँ। सरकार के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ अपनी सीट का तो आपने बताया। हाँ। और उधर सरकार के तौर पे? सरकार के तौर पे तो बीजेपी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे चेंजेस किए उन्होंने और बहुत सारा डेवलपमेंट किया है इंडिया का पूरे, तो मोदी जी तो होने ही चाहिए। ठीक है थैंक यू। अच्छा ये वोटर, अरे सर बूथ अधिकारी आप भी वोट डाल करके आए हैं, छोटा बच्चा है आपका, थोड़ा इधर आ जाइए, बाकी लोग आते रहेंगे। कितने दिन का बच्चा है? 3 महीने का। तो जिम्मेदारी समझते हैं लेकिन आप? अभी तो लेके आई। इसको भी बताएंगे कि 3 महीने का था तब तुम हम वोट डालने के लिए गए थे। क्या सोच करके इस बार वोट किया? मुझे करना था वोट, लेकिन जब वोट किया तो क्या माइंड में रहा, क्या इस बार सोचा आपने?
किस मुद्दे को लेकर वोट किया? ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार वोट के लिए? मतलब क्या कहना, क्या इस बार सोच करके मतदाता यहाँ पर वोट कर रहा है? बस वही जो अपन देखते हैं कि विकास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, यूथ के ऊपर वही देख के कर रहे हैं। ठीक है, वोट डाला आपने? हाँ सर, डाल दिया ना। क्या सोच रहा है इस बार युवा? दोनों बारे तगड़ा है माहौल। अच्छा, डाल दिया वोट? हाँ डाल दिया। क्या देख रहे हैं आप? मोदी सरकार। अच्छा, अगली बार वोट डाल दिया? भाई बिल्कुल वोट डाल के आए ना। अच्छा, क्या लग रहा है? वर्मा जी आएंगे भैया, 10 सालों से आप कार्यकर्ता है? हाँ। अच्छा अच्छा, वोट डाल के आए? 10 साल से कोई कार्य नहीं हुआ। वोट डाला है बीजेपी में और मधु वर्मा जी आ रहे हैं। ठीक, डाला और सही में जीतेंगे भी। सही में जीतेंगे। 10 साल का काम तो बता दो। नहीं, देखिए बहस मत करिए। सरकारी स्कूल वाला आज बहस मत करिए। आज जिनका जो मन है वो रहने दीजिए, आज बहस नहीं करेंगे हम लोग। हाँ बोलिए, क्या देख रहे हैं इधर? माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का ही है। ठीक है, हाँ वोट डाला है आपने? जी सर डाला। क्या देख रहे हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, तो वोट डाल दिया आपने भी? यस सर। क्या देख रहे हैं सर? आएगा चुनाव में आप लोग जा रहे हैं वोट के लिए और बाकी लोग जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इस बार? बीजेपी का लग रहा है इस बार। हाँ। आपको बोस मधु वर्मा इस बार परिवर्तन है, 10 साल दे दिया। वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला। क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार? जीतू पटवारी। जीतू पटवारी युवा फिर उधर जाए? वन एंड ओनली। अच्छा, वोट डाल दिया आप लोगों ने भी? यस। क्या देख रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, और आप? बीजेपी। तो ये आपका सेकंड वोट था? यस सेकंड। ठीक है ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में जो है वो लोग निकल कर के आ रहे हैं। वोट डाल दिया आपने भी? नहीं डाला सर। हैं? अभी भीड़ ही बहुत है। अच्छा अच्छा, अरे सर नमस्ते। हाँ इधर 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 बोलिए सर। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया सर। क्या मुद्दा लग रहा है इधर लोगों का? मुद्दा लग रहा है भैया कमल के फूल का। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है? कमल का फूल। ठीक है, हाँ तो ये खैर चलता हुआ रोड हो गया, ये तो लोग जो है बाहर के हो गए। हम आपने वोट डाला है? हाँ वोट डाल दिया। क्या देख रहे हैं इधर? क्या देख रहे हैं? विकास देख रहे हैं, जो राम हित में वोट करेगा उसके वोट देंगे। सही है ना? आपने बोस? हाँ वोट कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं इस बार? हमने नवयुवक पढ़ा लिखा, जो ज़्यादा शमशारा नेटवर्क उनको वोट दिया जीतू पटवारी जी को। आपने? रुको भैया, ऐसे नहीं लेंगे। बोलो जाओ, क्या देख रहे हैं वोट के लिए? अभी कहाँ, अभी जाना है ना। जाओगे? क्या समझ में आ रहा है इस बार? अभी क्या, अभी जाएंगे पता बताएंगे। अभी क्या सोच रहे हैं? अभी क्या सोचे वहाँ जाके सोचेंगे। आप बताइए। युवा नेतृत्व चाहिए सर। अच्छा, कौन? जो भी है युवा उम्मीदवार उसको चुना हमने। जीतू पटवारी को? मैं नाम काय को लूँ, युवा उम्मीदवार को हमने चुना। ठीक है, वोट डाल दिया आपने? जी। क्या सोच रही महिलाएं इस बार? बस यही विकास करेंगे और क्या सोचेंगे, यही है कि अपने मधु जो भी अपने प्रत्याशी आ रहे हैं उनके साथ विकास हो, अपना राष्ट्र का हित हो, सभी लोग आगे बढ़ते जाएं उसी में। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? डाल दिया। क्या सोच रहे हैं आप? बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनकी सोच क्या है? जो भी है मोदी जी को जिताए। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? जी डाल दिया। हाँ, क्या क्या इस बार वोटर का मुद्दा है यहाँ पे, थोड़ा बंद कर लीजिए। बदलाव चाहते हैं। आपने डाला वोट? हाँ डाल दिया। क्या सोच रहे हैं आप? विकास। बताइए बताइए। विकास चाहते हैं। नहीं, उनको भी बोलने दीजिए, बोलिए। विकास ही चाहते हैं। अच्छा, आपने? हाँ विकास। पहला वोट है आपका? हाँ पहला वोट है। चलिए चलते रहिए। तो ये जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर वोटर जो है वो निकल रहा है। वोट डाल दिया आपने भी? नहीं, भीड़ बहुत हो रही है तो इतनी देर नहीं खड़ा रह सकते ना। अच्छा, पैरों में तकलीफ। तो ये आप चेयर ले लीजिए इनसे बोल करके। अरे तो वापस आ जाएंगे ना। क्या सोच रहे हैं इस बार वोटिंग के लिए? अब देखो महंगाई के उससे देंगे, किसको देना क्या है, महंगाई मुद्दा है और क्या। आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या बताऊँ। वोट डालने के लिए जा रहे हैं, डाल के आए हैं? नहीं अभी तो जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? सोचेंगे, सोच के ही तो देने जा रहे हैं। मन बनाया होगा क्या मुद्दा इस बार ज्यादा चुन रहे हैं लोग? हम लोग तो मोदी के ही देते हैं। अच्छा, दूसरे को डाल दिया वोट? अभी डाला। जाएंगे। क्या देख रहे हैं? महंगाई खूब है।
महंगाई खूब है तो महंगाई मुद्दा है। हाँ अच्छा, आपने डाल दिया वोट? इस बार क्या सोच रहे हैं महिलाएं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? बोलिए बोलिए, बोलना जरूरी होता है, अच्छा होता है बोलना। क्या बोले? चलिए तो दोपहर का माहौल है, लेकिन फिर भी चहल पहल जो है वो अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में जो है वो थोड़ा सा माहौल जो है वो शांत हो जाता है और उसके बाद में सुबह और शाम को जो है वो ज़्यादा वोटिंग होती है, ज़्यादा लाइनें तब होती है, लेकिन दोपहर में भी अच्छी खासी चहल पहल है और लोग जो है वो दोपहर के अंदर भी अच्छी खासी मात्रा में जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, वोट डालने के लिए जा रहे हैं अभी। हाँ जी, क्या सोच रहा है यहाँ का मतदाता, आप लोग क्या सोच रहे हो? वोट तो उसे ही देना है जो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और जो यहाँ की हमें ग्रोथ मिले हर फील्ड में, वही उसी को देना चाहिए। तो इस बार यहाँ का मतदाता क्या सोच रहा है? मतदाता यही जो बताया मैंने कि ग्रोथ होनी चाहिए जिस भी जगह पर है। ठीक है, ठीक है। आप भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं? हाँ। क्या मन बना रहा है इस बार यहाँ का मतदाता, महिलाएं क्या मन बना रही है बोलो। हाँ आप देख रहे हैं, बताइए बताइए। आप कुछ नहीं बता सकते अभी। अच्छा, देखिए बहुत बार जो है वो महिलाएं थोड़ा बोलती भी कम है, लेकिन मन में तो जरूर है और ये मन जो है वो किस तरफ है वो भी समझने वाली बात है। तो वोट डाल दिया आपने? नहीं, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? विकास का मुद्दा और व्यक्ति संबंधित जो जमीन से जुड़ा है उसको ठीक। अच्छा, तो और क्या मुद्दा है इधर आप लोग महिलाओं के लिए? और महिलाओं की सुरक्षा और विकास। तो इधर राऊ की जनता आप लोग क्या चुन रहे हैं इस बार? हम जमीन से जुड़े व्यक्ति को जो हमारे साथ आके हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा, और पटवारी जी हमारे साथ हमेशा जो सुख दुख में खड़े रहते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जीतू जी पटवारी, बस। अच्छा। और कुछ नहीं, और बस बस हो गया। अच्छी नहीं, उसी से हो जाएगा। तो जीतू पटवारी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? वोट डालने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस बार? बस माहौल कांग्रेस का, अरे थोड़ा पंगे ये। अच्छा अच्छा, चलो चेयर ले लो भाई, चेयर दे दो इनको, चेयर करवा दीजिए इनके लिए। हाँ आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर इधर आइए। वोट डाल दिया आपने? जी सर। क्या देख रहे हैं महिलाएं, क्या सोच रही हैं इस बार? बस विकास होना चाहिए देश का। अच्छा, महिलाओं का भी होना चाहिए, महिलाओं को प्रोत्साहित होकर जाना चाहिए पढ़ने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए, बस यही चाहूंगी मैं। तो यहाँ की महिलाएं आप लोग जो है वो क्या यहाँ का मुद्दा रहा ज्यादा? महिलाओं की प्रोटेक्शन। आपने डाला वोट? हाँ डाल दिया ना। इस बार क्या सोच करके वोट किया है? रुकिए रुकिए बोलिए। हाँ ऐसे ही कर दिया हमने तो, कुछ सोचा होगा कि नहीं, हाँ, नहीं। इसको दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं, डाल दिया हमने तो वोट अब। अच्छा, तो हर तरह का वोटर होता है, आपने डाला वोट? अभी नहीं डाला। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस का है तो ज्यादातर लोगों में है, कैसे है? ज्यादातर लोगों में ये इस बार चेंजेस लाना अपने को। ठीक है, वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया है। क्या आराम से बोल। हाँ क्या सोच रहे हैं इस बार? जी इस बार जीतू पटवारी सर। आपने डाला वोट? क्या देख रहे हैं? पंजे को ही देख रहे हैं इस बार तो। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? डालना है। क्या सोच रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग, थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए सड़क। देश की प्रगति, देश का उत्थान सोच के डाल के आए, देश के हाथ मजबूत हो। आप बताइए। डेफिनेटली सर, देश के बारे में सोचेंगे, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, जो देश को आगे बढ़ाएगा वो तो मिलेगा। वोट डाल दिया आपने? क्या सोच रहे हैं इधर का वोटर, क्या मन में है? बस कमल ही खिलेगा। अच्छा, आप बताइए, रुकिए रुकिए थोड़ा, क्या सोच रहे हैं इस बार महिलाएं, आप क्या सोच रहे हैं? इस बार वोट डाल के आए हैं, सोच कर ही वोट किया होगा कुछ न कुछ। हाँ। तो क्या जहन में रहा, क्या दिमाग में रहा, क्या सोच के वोट किया? बोलो जो बोलना, बोलो बोलो, बोलना चाहिए। हाँ तो सोच के नहीं आए ना अभी घर से कि क्या बोले हम। अच्छा, अभी डाला वो तो डाल दिया, लेकिन आपने डाल दिया। तो वोट डालने के टाइम पे आपने सोचा होगा कि इसको देना है और इसलिए देना है, तो कुछ सोचा होगा, क्या सोचा? राव के उन्नति के लिए ही सोचा है। राव की उन्नति के लिए। तो महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो भी बता देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना मुद्दा। हाँ, आपसे तो बात हुई है। हाँ जी बात हुई है। चलिए ठीक है। हाँ आपने डाल दिया वोट? डाल दिया वोट। क्या देख रहे हो भाई इधर?
इधर माहौल देख रहे हैं मधु भैया का, मधु भैया। अच्छा आपने डाला वोट? हाँ डाल दिया। क्या देख रहे हैं इधर? दोनों कांटे की टक्कर है। हाँ। और विकास बोलता है, विकास मधु वर्मा जी ने भी होते काम किया और मोदी जी का भी नाम चल रहा है, इसलिए कांटे की टक्कर है। ठीक है ठीक है, वोट डाल दिया आपने? डालने के लिए जा रहे हैं अभी? जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप, महिलाओं के मन में क्या इस बार? महिलाएं क्या सोच रही हैं? हाँ। सबको पता है महिलाएं क्या सोच रही हैं। क्या बताइए जरा। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे, है ना, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। और आपको पता है हमारे मोदी जी, हम कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दे रहे हैं, हम अपने मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं। ठीक है, आपने वोट डाला भाई? डालने जा रहा हूँ। डालने के लिए जा रहे हो? अरे आपका भी वोट बन गया? बन गया ना, पहला वोट था। पहला वोट था? पहला वोट क्या सोच के किया? बीजेपी को दिया हिंदुत्व अपना वो। अच्छा आपने डाला वोट? डाल दिया सर। अच्छा फैमिली से है क्या? क्या अलग अलग है? फैमिली है। अच्छा ये आप फैमिली से, क्या सोच के इस बार वोट किया? वोट तो करना ही है, सोचना क्या है, देश के लिए तो करना ही है, राष्ट्र। अच्छा देश के लिए करना ही है। ठीक है ठीक है, क्या सोचा वोट क्या किया? बस जो राष्ट्र हित की बात करेगा बस हम उसी को। आपने डाल दिया वोट? हाँ डाल दिया। क्या देख रहा है राहु का इस बार मतदाता? मतदाता जीतू पटवारी को जिताएगा। जीतू पटवारी जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे, 100% माहौल है, फुल फाल माहौल है। कोई कह रहा है कि जीतू ही जीतेगा तो जीतू ही, मामला फंसेगा या काटेगा कैसा? काटे की टक्कर नहीं रहेगी, एक तरफा जीतू पटवारी आएंगे। थोड़ा आगे लिए तो ये जो है, थोड़ा आगे चलिए उधर, ये जो है वो राव की विधानसभा है और राव का ये कन्नाशाला बूथ है, 15,000 के करीब वोट है और काफ़ी देर तक इसीलिए हमने थोड़ी लोगों से बात की कि थोड़ा ज़्यादा जो है वो निकल करके आ सके कि वाकई जो है इस बार मूड मिजाज है क्या, क्या लोगों का जो मूड है वो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं, प्रत्याशी हैं जीतू पटवारी, उनकी तरफ है, उनकी तरफ लोगों के ज़्यादा मुद्दे हैं बन रहे हैं, या इस बार जो है वो लोग यहाँ पर बीजेपी को मौका देना चाह रहे हैं, सरकार के तौर पर लोगों का क्या मूड है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो है वो कितना हावी हैं, तो ये सारी चीज़ टटोलने का काम किया लोगों ने, खुल करके यहाँ पर बोला है और लोगों ने जो कुछ कहा है उसके आधार पर आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार राव में क्या होने वाला है। शेयर कीजिए इस खबर को और आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।